हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फूड कार्निवल पर। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और टेस्टी कैरेट केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं इसकी रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को भी ऑन रखें। तो चलिए बिना किसी देरी के ये आसान सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल लिया है। अब हम इसमें आधा कप चीनी का पाउडर डालेंगे। इसी में अब हम एक चौथाई कप तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसकी जगह पिघले हुए मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। इसी में अब हम एक चम्मच सिरका डालेंगे और इन्हें मिलाएंगे। अगर आपके पास दही हो तब आप दूध की जगह दही का भी यूज़ कर सकते हैं और तब आपको इसमें सिरका डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दूध का यूज़ करेंगे तब आप चाहें तो सिरके की जगह नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसे ज़रूर डालें, इससे आपका केक देखने में कमाल का लगेगा। अब आप देख सकते हैं हमने ऑरेंज कलर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इस पर एक बड़ी छन्नी रखेंगे और उस पे एक कप मैदा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सभी को छन्नी से छान लेंगे। हमने इन सभी चीज़ों का अच्छे से छान लिया है। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है, लेकिन ये अभी भी थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए अब हम इसमें एक चौथाई कप दूध और एक चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे और इसे मिलाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमने इन्हें अच्छे से मिला दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है। अब हम इसमें केक का मेन इंग्रेडिएंट जो कि है आधा कप गाजर, हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज गाजर को घिसकर पूरा पानी जलने तक अच्छे से पका लिया था। आप देख सकते हैं हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब इसे पकाने के लिए हमने एक 6 इंच के राउंड केक टिन का यूज़ किया है। इसी में अब हम थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल की जगह मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी साइड्स को भी अच्छे से ग्रीस करें और अगर आप चाहें तो किसी भी शेप के केक टिन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पर एक बटर पेपर भी लगा देंगे और उसे भी ग्रीस कर देंगे। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका केक कभी भी नीचे नहीं चिपकेगा। अब हम इस मोल्ड में केक का बैटर डाल देंगे। हमने सारा बैटर डाल दिया है। अब हम इसे 3 से 4 बार टैप करेंगे और उसके बाद इसे 160 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। आप इसे पकाते वक्त इसके नीचे जाली रखना ना भूलें। अगर आप इसे कुकर या कढ़ाई में पकाना चाहते हैं तब आप इसे प्रीहीटेड कुकर या कढ़ाई में 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकाएं। अब ये पककर तैयार हो चुका है। हमने इसे पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से पक चुका है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बिल्कुल जालीदार बना है। अब हम इसे आपको कट करके दिखाते हैं। ये बहुत ही आसानी से कट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये देखने में कमाल का है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें। हम ऐसे ही न्यू वीडियोज लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।